इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, एक तरह से मैं इस पर ज्यादा फोकस करता हूँ. वाई? बिकॉज एक तरह से वोकैबुलरी बिल्डिंग ब्लॉक है, किसी भी वोकैबुलरी किसी भी लैंग्वेज की हो वो एक तरह से बिल्डिंग ब्लॉक होता है, वो एक तरह से नींव की ईंट होता है उस चीज को समृद्ध बनाने के लिए, उस चीज को मजबूत बनाने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए, बोल्स्टर करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए, या फिर रोबस्ट करने के लिए. आपको पता कि जो इंग्लिश की वोकैबुलरी है वो इंपॉर्टेंट है, मुझे ऐसा लगता है कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका एक तरह से ये बिल्डिंग ब्लॉक है. ठीक है, जैसे शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है, प्रोटीन्स होते हैं, वैसे ही किसी भी लैंग्वेज की वोकैबुलरी होती है वो इंपॉर्टेंट होती है. कल के वर्ड्स अपने पास, ये कल के वर्ड्स हैं, ठीक है, और कल के वर्ड डिस्कस करने का मोटो यही है कि आपको दो तीन बार देखोगे तो उनको याद कर लोगे, है ना. पहला वर्ड अपने पास था, इनको मैं रीड करूंगा और अगली स्लाइड में आज के वर्ड होंगे उनको हम आराम से पढ़ेंगे ढंग से, है ना. और देखो हर एक वर्ड का आपको पार्ट ऑफ स्पीच पता होना चाहिए. दैट मीन्स द वर्ड कैसा है, वो नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है, कैसा है, मतलब वो आपको पता होना चाहिए. ऑस्टेंसिबल आपका एडजेक्टिव है, इसका मतलब ऐसे होता है कि साफ साफ या फिर थोड़ा घुमाना फिराना, बात को प्रिटेंड करना, अपेरेंट होना, ठीक है, ऐसा लगना कि यहाँ ऐसा है लेकिन वैसा नहीं होना एक्चुअल में, दैट इज कॉल्ड ऑस्टेंसिबल. क्वाइट आपका शोवी नेचर का है, शोवी नेचर मतलब आपको थोड़ा दिखावटी बात होती है ना, वहां पे वर्ड आता है ऑस्टेंसिबल. लेमेंट होता है दुख प्रकट करना, बहुत ही इजी वर्ड है और ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखें. कोरोनेक, कोरोनेक इसका सिनोनिम है. डेप्लोर भी आपको बताया, एक वर्ड आपने सुना होगा डेप्लोरेबल, है ना, वो से बना हुआ है. पॉपुलिस्ट आपके एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि कोई चीज जो बहुत ही ज्यादा आपके पॉपुलर होने वाली है उसमें अपनी अपने उसमें अपना दिमाग लगाना, पुट फॉरवर्ड जस्ट बिकॉज इट वुड बी पॉपुलर. कोई ऐसी चीज जो आपके मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि बहती गंगा में हाथ धोना, अपने वर्ड सुना होगा एक तरह से, इंग्लिश की हिंदी में idiom होती है बहती गंगा में हाथ धोना, कहीं कहीं पॉपुलिस्ट वर्ड वहीं से आपका रिलेट कर सकते हैं आप इसको. कंजेक्चर क्या होता है, कंजेक्चर इज नाउन, इसका मतलब जैसे आपने कुछ प्रूव किया, आपने मैथमेटिक्स में कुछ प्रूफ दिया, आपने कुछ इन्वेंशन किया, सो उसका जो एक तरह से हाइपोथेसिस होता है, जो आपने उसमें धारणा मानी है, जो आपका एक तरह से जो इन्वेंशन, उसको बोलते हैं कंजेक्चर. मान लो कि आपके पास कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, उसमें आपने कुछ सॉल्व कर दिया, उसको प्रूफ कर दिया, दैट इज कंजेक्चर. हेराल्ड वर्ब है, इसका मतलब होता है उद्घोषणा करना, या फिर ऐसे बोल दो कि मान लो कि आगे होने वाली चीज को पहले बता देना कि ऐसा होगा. और क्वाइट आपका अनाउंस कर देना, या फिर फोरटेल पहले बता देना, प्रीसेज कर लेना, यानी पहले उसको देख लेना. और फोरशैडो आपको पता है, पूर्वाग्रह जैसे फोरकास्ट करते हैं ना, आपके प्रेडिक्ट करते हैं कुछ भी, जैसे वेदर कैसे होने वाला है, वेदर ठंडा होगा, गर्म होगा, सो आपका हो जाएगा हेराल्ड. लेकिन हेराल्ड आपका वेदर के सेंस में नहीं, कुछ आपके इंपॉर्टेंट वर्ड के सेंस में आता है कि आगे ऐसा होने वाला है. हेवन, हेवन आपका जो शेल्टर वगैरह होते हैं आपके रिफ्यूजीज के लिए, या फिर आपका हार्बर बोल सकते हैं, ऐसी कोई चीज जो आपको सेफ्टी प्रदान करे, ऐसा घर, ऐसा मकान, ऐसी जगह जो आपको सेफ्टी प्रदान करे, उसको बोलते हैं हेवन. और कैस्ट्रेट मतलब किसी चीज को प्लान एंड कंट्रोल हाउ ए कॉम्प्लेक्स अंडरटेकिंग इज डन, दैट मीन्स कि किसी जटिल काम को करने के लिए प्लानिंग करना, उसको कैसे कंट्रोल करना है, वो प्लानिंग करना पहले, उसको बोलते हैं ऑर्केस्ट्रेट. उसका बहुत ही अच्छा सिनोनिम आपका इंजीनियर. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आज के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हमको देख लेते हैं. पहला वर्ड है लेक्यूनाए, लेक्यूनाए बोलते हैं इसको, लेक्यूना. ठीक है, इसमें आपको लास्ट में ई लगाना है आपको. देखो ज्यादातर आपको डिक्शनरी में कहीं कभी आपको ई नहीं भी मिलेगा, लेकिन आपको पूरी स्पेलिंग लिखनी है LACUNAE. ये आपका नाउन है पहली बात तो. इसका मतलब होता है कि एक ब्लैंक गैप और मिसिंग पार्ट, दैट मीन्स कि कोई यदि आपके पास कोई भी स्कीम है, मान लो गवर्नमेंट स्कीम, उसमें कुछ ना कुछ मान लो कमी रह जाती है, उसको बोलते हैं लेक्यूनाए, है ना. उसमें कुछ मिसिंग पार्ट होता है, वो रह जाता है, उसको बोलते हैं लेक्यूनाए. प्रीडेशन, देखो प्रीडेशन क्या होता है, देखो प्रीडेशन होता है आपका नाउन पहली बात तो, जैसे आई ओ एन आ रहा तो नाउन होगा. इसका मतलब होता है कि आपका ऐसा कोई काम जो किसी दूसरे को मारे, या फिर लूटपाट करे, प्लंडर का मतलब लूटपाट करना, पिलेज और मरोडिंग का मतलब होता है किसी को मारना, या फिर आपका पोच करना. पोच क्या होता है, जैसे आप बोल सकते हो पोच क्या होता है, तो आपके जो अवैध एक तरह से जो जंगली जानवर होते हैं उनको मारते हैं, उसको प्रीच भी बोलते हैं, उसको पोच भी बोलते हैं, पोचिंग आपने वर्ड सुना होगा. सो कहेंगे वर्ड ये उससे रिलेटेड है, मतलब उस जानवर को पकड़ना, या फिर आप ऐसे मतलब कि सिंपल पर्सन बींग की बात करें, ह्यूमन बींग की बात करें, तो भी उसको लूटना, उसको मतलब कि मार डालना, उसको प्रताड़ित करना, प्रीडेशन वर्ड है. ठीक है, इनमेट, इनमेट आपका नाउन है पहली बात तो. देखो मेट वर्ड आपका होता है, जैसे क्लासमेट हो गया, फेलो कॉलेज मेट हो गया, और आपका जो मेट वर्ड होता है रूम मेट हो गया, है ना. तो मेट का मतलब होता है जो अपने साथ रहता है, यानी किसी ह्यूमन बींग के लिए आता है. यहाँ पे वर्ड है इनमेट, इनमेट का मतलब ये हो गया कि वन ऑफ सेवरल रेजिडेंट्स ऑफ ए ड्वेलिंग. ड्वेलिंग क्या होता है पहली बात तो आपको यह पता होना चाहिए. ड्वेलिंग आपका जो घर या मकान होता है, जो आपके रहने की जगह होती है, उसको ड्वेलिंग बोलते हैं. इसको आप होम बोल सकते हैं, हाउस बोल सकते हैं, इसको अबोर्ड बोल सकते हैं, ABODE अबोर्ड भी इसको बोल सकते हैं. तो बहुत अच्छे सेनेटोरियम बोल सकते हैं इसको, हॉस्पिटल जैसे वर्ड है वैसे ही आप इसको यूज कर सकते हैं. तो मतलब
कोई जगह है, ठीक है, कोई भी जगह, जैसे हॉस्पिटल हो गया, मैंने बताया आपको, कोई भी जैसे मान लो आपका हॉस्टल, हॉस्टल का जो एक तरह से हॉस्टल होता है वो हो गया, तो वहां पे जो लोग साथ में रहते हैं उनको इनमेट्स बोलते हैं, बिकॉज वो साथ में रहते हैं, है ना, वन ऑफ सेवरल रेजिडेंट्स ऑफ ए ड्वेलिंग। मान लो हॉस्पिटल है तो उसमें पेशेंट्स हैं, तो पेशेंट्स आपस में इनमेट्स हैं, ठीक है, अच्छा वर्ड था ये। लीवे, लीवे आपका अच्छा वर्ड है, नाउन, पहली बात तो इसका मतलब हो जाता है कि ए परमिसिबल डिफरेंस, और वी कैन से अलाउिंग सम फ्रीडम टू मूव विद इन लिमिट्स, किसी को थोड़ी आपकी मोहलत देना ताकि वो एक तरह से बाउंड्री के अंदर अपने आप को फ्रीडम महसूस करे, या फिर आप उसमें मार्जिन या फिर टॉलरेंस, है ना, सहन शक्ति इसको बोल सकते हैं, दैट मीन्स कि आप उसको कुछ न कुछ थोड़ी उसको लिबर्टी दें ताकि परमिस करें कि हाँ तुम ऐसा काम कर सकते हो, वहां तक तुम्हारी लिमिट है, उसके अंदर अंदर तुम काम कर लो। सो आपने उसको क्या प्रोवाइड किया, आपने उसको लीवे प्रोवाइड किया, ठीक है। ऐसे आप याद कर लो कि ले, ले वे, यानी ले कोई रास्ता, इस रास्ते से चला जा, मतलब आप उसको कुछ लिबर्टी दे रहे हो, कुछ फ्रीडम दे रहे हो। रैंप अप, आपकी फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब हो जाएगा किसी चीज को बोलस्टर करना, किसी चीज को स्ट्रेंथन करना या फिर बिल्डअप करना। स्टीप, स्टीप का एडजेक्टिव है, या आपका सिंपल वर्ड है, स्टीप का मतलब होता है हैविंग ए शार्प इंक्लाइनेशन, दैट मीन्स कि आपको पता है जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ की मान लो, इकोनॉमिक ग्रोथ है ना, इकोनॉमी डिक्लाइन भी होती है, ग्रोथ भी होता है, तो मान लो कि अचानक से कुछ यदि डाउन आ जाता है, बहुत ज्यादा डाउन आ गया, बिल्कुल 10 पे था 0 पे आ गया, तो उस फॉल को क्या बोलेंगे, उस फॉल को, उस गिरने को बोलेंगे स्टीप फॉल, यानी अचानक से डिक्लाइन हो गया, अचानक से इंक्लाइन भी हो सकता है, डिक्लाइन भी हो सकता है, प्लंज भी होता है, स्लोप भी होता है, ठीक है, आपने मैथ में पढ़ा होगा स्लोप, स्लोप क्या होती है, ढाल होती है ना, तो अचानक से कोई ढाल होती है उसको बोलते हैं स्टीप। जैसे आप बोलोगे कि एक तरह से जो आप पहाड़ी चढ़ते हैं, ठीक है, कभी बार ऐसा होता है कि पहाड़ी ऐसी आ जाती है कि आप उसे चढ़ नहीं सकते, बहुत एकदम सीधी खड़ी पहाड़ी आ जाती है, तो आप बोलते हो स्टीपी हिल, ठीक है। बात करते हैं लेंथ, एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि हैंग और फॉल इन मूवमेंट, प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट, किसी चीज में आप यदि पीछे रह जाते हैं, लैग कर जाते हैं, तो आपके लिए एडजेक्टिव वर्ड यूज होगा लैग्ड। बस्ट, बस्ट आपका वर्ब है, पहली बात तो इसका मतलब होता है कि रून कंप्लीटली, कि अपने आप को या फिर पूरी तरीके से एक तरह से बर्बाद हो जाना, रून हो जाना, या फिर बैंकक्रप्ट यानी कि दिवालिया हो जाना, बैंकक्रप्ट के लिए जो वर्ड है अपने पास वो होता है इनसॉल्वेंट। वन वर्ड में पूछा जाता है कि जो अपना डेट नहीं चुका सकता, जो अपना ऋण नहीं चुका सकता, उसको बोलते हैं दिवालिया या फिर इनसॉल्वेंट। रेन इन, पहली बात देखो, रेन अपने आप में एक वर्ड होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है जो घोड़े की लगाम होती है उसको बोलते हैं रेन, ठीक है, जो घोड़े की लगाम होती है उसको बोलते हैं रेन। अब वो लगाम किस काम आती है, आपको पता है घोड़े को कंट्रोल करने काम आती है, सो आपकी जो फ्रेजल वर्ब बनेगी यहाँ पे वो बनेगी रेन इन। ये वर्ब है, इसका मतलब हो जाएगा कि स्टॉप और स्लो अप वंस होर्स और वन सेल्फ बाई और एज एज इफ बाई पुलिंग द रेन्स, दैट मीन्स की घोड़े को कंट्रोल करना। और देखो घोड़े को कंट्रोल करना तो सिर्फ यहाँ पे बात होगी, किसी चीज को आप कंट्रोल करना चाहते हैं, अपनी दिशा में लेके आना चाहते हैं, मैं कहूंगा उसी दिशा में आपको चलना है, सो मैं रेन इन कर रहा हूं आपको, ठीक है, मैं आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूं। ओवरड्यू इज अवर लास्ट वर्ड एंड इट्स एन एडजेक्टिव, इसका मतलब हो जाएगा कि नॉट पेड एट द शेड्यूल टाइम। ओवरड्यू का मतलब जैसे आपकी कोई फी होती है, आपका कोई पेमेंट होता है, यदि वो ड्यू है जो शेड्यूल टाइम पे नहीं हुआ उसको बोलते हैं ओवरड्यू। ये अपने इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे, आज का इंपॉर्टेंट सेशन यही था। तो अब बात करते हैं कुछ जो अपने आर्टिकल्स हैं उनकी बात करते हैं। देखो ग्लोबल शटडाउन की बात यहाँ पे की जा रही है, ग्लोबल स्लो डाउन की बात यहाँ पे की जा रही है, दैट मीन्स ग्लोबली यानी कि वैश्विक रूप से जो अर्थव्यवस्था के अंदर यानी इकोनॉमी के अंदर जो स्लो डाउन देखा जा रहा है, जो मंदी देखी जा रही है, रिसेशन देखा जा रहा है, उसकी बात यहाँ पे की जा रही है, और उसके पॉसिबल रीजंस क्या हैं एंड व्हाट वी कैन डू टू रिजॉल्व दिस। बात करते हैं पॉलिसी मेकर्स विल हैव टू बस्ट, बस्ट मतलब उसको खत्म कर देना, है ना, बस्ट मतलब उसको रून कर देना, उसको बर्बाद कर देना, बस्ट ये हो जाएगा। और देखो बस्ट अच्छा वर्ड्स को आप ध्यान रखें, बस्ट की तीनों फॉर्म सेम होती है, पहली बात तो ये बस्ट की तीनों फॉर्म सेम होती है, बस्ट, बस्ट एंड बस्ट। पॉलिसी मेकर्स विल हैव टू बस्ट रिसेशन फियर्स, यानी उस भय को मिटाने की जरूरत है, उस भय को तबाह करने की जरूरत है जो रिसेशन वाला जो भय होता है ना कि मंदी आ जाएगी, विद मोर देन जस्ट मॉनिटरी पॉलिसी। बिल्कुल, जो आपके बड़ी बड़ी बैंक्स हैं, जैसे बात करें इंडियन सेंट्रल बैंक की, जो आपका RBI है, कहीं कहीं हर एक बैंक ऐसा सोचता है कि वो सिर्फ और सिर्फ मॉनिटरी पॉलिसी से आपका एक तरह से जो रिसेशन होती है उसको कंट्रोल कर लेगा, बट यहाँ पे पॉलिसी मेकर्स को ये भी सोचना चाहिए कि मॉनिटरी पॉलिसी से कुछ बढ़ के भी कुछ हो सकता है, तो उसको भी सोचा जाए, ठीक है। स्टॉक मार्केट्स अक्रॉस द वर्ल्ड हैड वेरी लिटिल रीजन टू सेलिब्रेट इन 2018, 2019 स्टार्ट हो चुका है, 2018 के अंदर यदि स्टॉक मार्केट की बात करें तो पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड, यानी देखो यहाँ पे देखो इन द वर्ल्ड नहीं आया है, अक्रॉस द वर्ल्ड आया है, ये आपका होता है आपका जो एक तरह से कॉम्प्रिहेंशन बिल्ड होता है, तो आपको ऐसी चीज ध्यान देनी है। यहाँ पे बात हो रही सारे संसार की,
तो इन द वर्ल्ड यहाँ पे यूज नहीं किया, अक्रॉस द वर्ल्ड यहाँ पे इसने यूज किया है. हैड वेरी लिटल रीजन, बहुत कम रीजन है सेलिब्रेट करने के लिए, बिकॉज अच्छा नहीं गया. इफ यू टॉक अबाउट स्टॉक मार्केट्स, दे विटनेस्ड स्टॉक मार्केट, एक्चुअली स्टॉक मार्केट की बात हो रही है, दे विटनेस्ड द रिटर्न ऑफ एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी. वॉलेटिलिटी मतलब स्थायी नहीं होना, और वॉलेटाइल होता है जो भाप बन के उड़ जाता है, यानी स्थायी नहीं होता, एक तरह से आप बोल सकते हो. After many years, and most of them recorded their worst performance in a decade. मतलब कई तो ऐसे हो गए कि स्टॉक मार्केट को ऐसा लगा कि उसने 2018 के अंदर जो अपनी परफॉर्मेंस थी वो पिछले दशक की सबसे बुरी परफॉर्मेंस थी. वर्स्ट परफॉर्मेंस इन ए डेकेड. मच ऑफ दिस ग्लूम, ग्लूम क्या होता है, ग्लूम अच्छा वर्ड है. देखो ग्लूम का मतलब होता है थोड़ा अंधेरा, डार्कनेस. और यहाँ पे डार्कनेस की बात ये नहीं कि लाइट नहीं हो तो डार्कनेस है ना. डार्कनेस में इसलिए भी है कि आप कंफ्यूज हैं कि इसको कैसे आपको कंट्रोल किया जाए. मच ऑफ दिस ग्लूम हैज टू डू विद द राइज इन फियर्स दैट ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ कुड कम टू अ ग्राइंडिंग हॉल्ट इन द नियर फ्यूचर. ज्यादा डर इस बात का भी लग रहा लोगों को और वी कैन से पॉलिसी मेकर्स को कि जो ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं आपकी ग्राइंडिंग हॉल्ट, इसका मतलब होता है हॉल्ट का मतलब होता है, आपको पता है हॉल्ट का मतलब क्या होता है, लड़खड़ाना. हॉल्ट का मतलब लड़खड़ाना, या फिर हार्ट वर्ड वैसे होता है जैसे कोई पर्सन होते हैं जो रुक रुक के बोलते हैं ना, जिनकी बोली प्रॉपर नहीं होती उनको बोलते हैं कि वो हॉल्टिंग कर रहे हैं ना. और एक वर्ड और भी होता है उसको बोलते हैं स्टटर, STUTTER. स्टटर का मतलब भी थोड़ा लड़खड़ा के बोलना ना, जो भी प्रॉब्लम है लड़खड़ा के बोलना. तो कई लोग ऐसा सोचते हैं, फिर होता है उनको, डर लगता है कि अपनी जो इकोनॉमी है वो कहीं रुक ना जाए, लड़खड़ा ना जाए इन द नियर फ्यूचर. ठीक है, चाइना इज अनदर मेजर कंसर्न एज द पीपल्स बैंक ऑफ चाइनाज अर्लियर मूव्स टू रेन इन. देखो रेन इन अच्छा वर्ड है ना, मैं आपको बताया था कंट्रोल करने की बात होती है. वैसे तो देखो यहाँ पे घोड़े की लगाम जो होती है उसको बोलते हैं रेन, तो रेन इन क्या हो जाएगा, घोड़े को कंट्रोल करना. बट यहाँ पे सीधी सी बात है, किसी भी चीज को कंट्रोल करोगे तो ये आपकी फ्रेजल वर्ब आ सकती है. चाइना का जो मेजर कंसर्न था वो ये था कि चाइना का जो बैंक है पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, उसके जो कुछ इनिशिएटिंग मूव्स थे, उसके जो स्टेप्स थे वो क्या थे, रेन इन कंट्रोल करने के लिए ए मैसिव क्रेडिट फ्यूल्ड बबल हैव बीन डैम्पनिंग मोमेंटम विद ए लैग इफेक्ट. पहले उसे कंट्रोल करने की जो बात थी, क्रेडिट फ्यूल को कंट्रोल करने की बात थी, वो कहीं ना कहीं आपका जो मोमेंटम है फिलहाल वो डैम्पन कर रहा है. डैम्पन मतलब उसको कम कर रहा है, उसकी इंटेंसिटी को कम कर रहा है, या फिर उसको मोमेंटम को कहीं कहीं खो रहा है विद ए लैग इफेक्ट. लैग मैंने आपको बताया था क्या होता है, पीछे आपकी स्लो डाउन हो जाता है ना, आपकी कोई भी डेवलपमेंट होता है आपकी जो पेस होती है आपकी जो स्पीड होती है उसके अंदर स्लो डाउन होने का मतलब आप लैग्ड कर रहे हैं, पीछे हैं. सो आपका इफेक्ट सही नहीं आ रहा वहां पे. ग्लोबल स्टॉक्स हैव बीन प्राइसिंग इन दीज वेरी रियल रिस्क. बिल्कुल ज्यादा बहुत ज्यादा रिस्क है किसके अंदर, ग्लोबल स्टॉक्स के अंदर, पर्टिकुलरली विद मेजर सेंट्रल बैंक्स सच एज द US फेडरल रिजर्व एंड द यूरोपियन सेंट्रल बैंक रिमेनिंग ऑन द पाथ टू नॉर्मलाइज इंटरेस्ट रेट्स फ्रॉम नियर हिस्टोरिक लोज. दैट मीन्स कि जो आपका जो ग्लोबल स्टॉक्स हैं वो बहुत ही कम चल रहे हैं. और देखो बहुत बड़े बड़े बैंक की बात करी जा रही है यहाँ पे, US का जो फेडरल रिजर्व है और जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक है, वो कहीं ना कहीं आपके जो उनकी जो इंटरेस्ट रेट है उनको नॉर्मलाइज करने की बात भी की जा रही है यहाँ पे, कि इंटरेस्ट रेट को बहुत कम किया जाए और आपका जो नियर आपका हिस्टोरिक लोज है, दैट मीन्स कि सबसे कम जो हो सकता है वो फिलहाल अभी देखने को मिल रहा है यहाँ पे. द स्टीप फॉल, जो मैं आपको बताया था ना, स्टीप क्या होता है, अचानक से बहुत ही तीखे रूप से यदि गिरना या फिर चढ़ना, दैट इज स्टीप. और फॉल वर्ड आया इसके लिए, दैट मीन्स गिरने की बात यहाँ पे हो रही है. द स्टीप फॉल इन द प्राइस ऑफ ऑयल, आपको बताया जैसे बात करें अक्टूबर की, अक्टूबर में आपका जो क्रूड ऑयल था उसका प्राइसेस अराउंड चल रहा था, यदि बात करूं तो $90 पर बैरल. ठीक है, $90 पर बैरल, बट राइट नाउ इट इज अबाउट टू $55 or $60 पर बैरल. तो लगभग 30-40% यहाँ पे डिक्रीमेंट देखने को मिला है ऑयल प्राइसेस के अंदर. सो इसके अंदर जो आपका डिक्रीमेंट देखने को मिला है, इट इज एन अनदर इंडिकेटर ऑफ फॉल्टरिंग डिमांड फॉर कमोडिटीज एज द ग्लोबल इकोनॉमी कूल्स डाउन. फॉल्टरिंग मतलब लड़खड़ा के चलना, फॉल्टर होता है लड़खड़ा के चलना. तो आपका जो एक तरह से ऑयल की प्राइसेस डाउन हो रही है, देखो किसी भी चीज की प्राइस अप कब होती है, ज्यादा कब होती है, जब उसकी डिमांड ज्यादा होती है मार्केट के अंदर. आपने बिल्कुल सिंपल इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है कि किसी भी प्राइस की यदि किसी भी चीज की डिमांड ज्यादा होती है ना तो उसकी प्राइस बढ़ती है, ये आपने सोचा होगा, देखा होगा. लेकिन यदि उसकी डिमांड कम हो जाए तो उसकी प्राइस कम भी हो जाती है. दैट मींस जो क्रूड ऑयल की डिमांड फिलहाल कम हो रही है आपको पता है, क्योंकि उसकी प्राइसेस तभी गिर सकती हैं जब उसकी डिमांड कम हो, और डिमांड ज्यादा होती है तो आप उसकी प्राइसेस बढ़ती हैं. स्लो डाउन इन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड दिस
क्लोज डाउन मतलब आपको बोला कि जो कमोडिटीज है आपके जो सामग्री है उसकी डिमांड बहुत ही कम हो रही है, जिसकी वजह से ग्लोबल इकोनॉमी आपकी कूल्स डाउन, मतलब पता है कूल डाउन क्या होता है, यहाँ पे ठंडा होने से नहीं है, यहाँ पे उसका उसका जो डेवलपमेंट कम हो रहा है, यानी उसकी जो आपकी जो इंपॉर्टेंट होती है ना इंपॉर्टेंस, वो कम हो रही है किसकी, आपकी ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर। द टाइटनिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, देखो मॉनेटरी पॉलिसी पे मैंने आपको पहले का आर्टिकल डिस्कस किया था जिसमें मैंने जो आपके उसको टाइटन करने की बात थी, टाइटन मतलब कि मॉनेटरी पॉलिसी को और ज्यादा स्ट्रिक्ट बना दिया जाए और ज्यादा स्ट्रिंजेंट हार्श बना दिया जाए। सो टाइटनिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी हैज ऑफन बीन फॉलोड बाय ए स्लो डाउन इन इकोनॉमिक ग्रोथ। जैसे ही आप मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट करते हैं, थोड़ा आप कंट्रोल में करना चाहते हैं, रेन इन करना चाहते हैं, वैसे ही आपका कुछ देखने को मिलता है आपको, उसके जस्ट बाद में फॉलो होता है आपका स्लो डाउन इन इकोनॉमिक ग्रोथ। आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है उसमें स्लो डाउन देखने को मिलता है आपको, स्लो डाउन का मतलब होता है उसमें आपको उतार देखने को मिलता है, चढ़ाव नहीं उतार देखने को मिलता है। एंड दिस टाइम मे बी नो डिफरेंट, एंड इस टाइम भी आपका कुछ डिफरेंट नहीं होगा, बिल्कुल जो ट्रेंड चला रहा है वैसा ही आपको देखने को मिलेगा। आफ्टर ईयर्स ऑफ अडॉप्टिंग ए मॉनेटरी पॉलिसी रिजाइम मार्क्ड बाय नियर जीरो इंटरेस्ट रेट्स, सेंट्रल बैंक लाइक द फेड, फेडरल रिजर्व जो यूएस का था, नाउ हैव वेरी लिटिल रूम टू लोअर रेट्स इफ दे वॉन्ट टू फाइट ए रिसेशन। यदि वो रिसेशन यानी कि मंदी से लड़ना चाहते हैं तो उनके पास और कोई अभी चारा नहीं बचा है, कि और कोई ज्यादा रूम नहीं है, रूम का मतलब कि वो और कम नहीं कर सकते, किसको, रेट्स को, यानी जो आपकी इंटरेस्ट रेट होती है उनको आप और कम नहीं कर सकते, उनके पास वेरी लिटल रूम, यानी उसके पास कोई भी, एक तरह से बोल सकते हैं कि वो नहीं कर सकता ऐसा, और लोअर रेट्स को नहीं कर सकता। एंड इफ दे वांट टू फाइट अगेंस्ट रिसेशन, यदि वो मंदी के खिलाफ लड़ना चाहते हैं तो उनके पास जो तरह से वो जो होता है उनके पास हथियार, क्या, इंटरेस्ट रेट को कम कर देना, अभी उनके पास ऐसा कुछ नहीं है, वो और इसको कम नहीं कर सकते। द नेक्स्ट रिसेशन में दस विटनेस सेंट्रल बैंक्स अडॉप्टिंग इवन मोर अनकन्वेंशनल मेथड्स टू स्टिमुलेट देयर इकोनॉमीज। जो आगे का भी रिसेशन आती है, सो वो गवाह बन सकती है इस बात का कि सेंट्रल बैंक्स होंगी वो कुछ नया कुछ अडॉप्ट करेंगी। अडॉप्ट मतलब आपको पता है क्या होता है, गोद लेना ना, और यहाँ पे गोद लेने से कोई मतलब नहीं है, मतलब कि एक तरह से समाहित करने की बात है, या फिर मैं उस चीज को फॉलो करूंगा, मतलब मैं उसको अडॉप्ट करूंगा, ऐसे यहाँ पे बात बोली जा रही है कि सेंट्रल बैंक यहाँ पे आगे की साल में यदि कोई आपका रिसेशन होता है तो वो कुछ ना कुछ उनके पास ऐसे हथियार होंगे, मेथड्स होंगे जो कि अनकन्वेंशनल होंगे। अनकन्वेंशनल का मतलब है थोड़े से आर्टिफिशियल, या फिर थोड़ा बेढंगा था, ना बेढंगा का मतलब यहाँ पे नेगेटिव सेंस में नहीं है, स्लाइट डिफरेंट, जो आपके कन्वेंशनल मेथड यानी जो पारंपरिक तरीके होते हैं उनसे कुछ हट के, कुछ लीक से हटकर काम करना पड़ेगा उनको, यदि उनको स्टिमुलेट करना है अपनी इकोनॉमी को। स्टिमुलेट मतलब एक्साइट करना ना, एक्साइटेड होना मतलब स्टिमुलेट होना। Some hope, यानी कुछ आशा that the governments will ramp up. Ramp up मतलब strong करना किसी चीज को, bolster करना, staunch करना, robust बनाना उसको, that sums up ramp up, ठीक है? The government will ramp up spending to compensate for the lack of monetary policy leeway. That means कि जो monetary policy में तो थोड़ा आपका एक तरह से जो आपकी margin होता है उसको कंपेंसेट करने के लिए आपको जो गवर्नमेंट है उसको कुछ ना कुछ स्पेंडिंग, यानी कि आपका जो स्पेंडिंग क्या होती है, जैसे आपको पता है रिजर्व बैंक होता है, उसके पास पैसा होता है, अब उसको लगेगा कि मान लो कोई आपके मार्केट में कम पैसा है, मार्केट में मंदी चल रही है, तो क्या करना आपका बैंक क्या करेगा, सेंट्रल बैंक क्या करेगा, वो कुछ मनी को मार्केट में डालेगा, कुछ मनी को मार्केट में डालेगा, तो जाके जो आर्थिक मंदी चल रही है, जो पैसे की कमी चल रही है वहां पे, वो थोड़ी आपकी सही हो। तो ये आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बात करें और आपकी सेंट्रल बैंक का ही काम होता है, तो यहाँ पे ये बात बोली गई यहाँ पे कि उसको कुछ ना कुछ मॉनेटरी पॉलिसी में आपका चेंज करना पड़ेगा। बट इट इज अनलाइकली दैट एनी फिस्कल स्टिमुलस विल फुली कंपेंसेट फॉर द अब्सेंस ऑफ एन अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी, पर्टिकुलरली व्हेन मोस्ट गवर्नमेंट्स आर ऑलरेडी डीपली मायर्ड इन डेट। बट इट इज अनलाइकली, ऐसा नहीं होने वाला है, दैट एनी फिस्कल स्टिमुलस विल फुली कंपेंसेट, दैट मीन्स कि आपने कुछ पैसा डाला मार्केट के अंदर, लेकिन वो ऐसा नहीं कि आपकी जो आपका जो कंपेंसेट पूरा कंपेंसेट कर देगा, दैट मीन्स आपको जितना लॉस हुआ, आपकी जो रिसेशन से आपको जितना लॉस हो रहा है, आपका पैसा डालना कंप्लीटली आपको उस चीज से नहीं उबार सकता, ये बात यहाँ पे बोली गई है। दैट मीन्स आपने ठीक है पैसा इन्वेस्ट कर दिया मार्केट के अंदर रिसेशन को देखते हुए, बट वो टोटली रिसेशन को काबू नहीं कर सकता, रेन इन नहीं कर सकता, कंट्रोल नहीं कर सकता। फर्दर बात करते हैं आगे की, द ओवर यूज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है आपकी, उसका ओवर यूज करना, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, दो दो महीने के अंदर आपको बताया जो सेंट्रल बैंक होता है वो डिसाइड करता है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट एंड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी यानी MSF, ठीक है, ये सारे चार चीज डिसाइड करता है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो इंडिया के लिए सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है।
मॉनिटरी पॉलिसी को, ठीक है, विल इवेंचुअली लीड टू डिमिनिशिंग रिटर्न्स। कहने का मतलब कि मॉनिटरी पॉलिसी को यदि आप और टाइट करोगे और यदि इसका ओवर यूज करोगे, सो इवेंचुअली क्या होगा, अंत में क्या होगा, इवेंचुअली मतलब अंत में रिजल्ट क्या आएगा, लीड टू डिमिनिशिंग, कम होती हुई रिटर्न्स दिखेंगे आपको, रिटर्न आपको जो आपकी रेवेन्यू होती है वो आपको कम देखने को मिलेगी, रिटर्न्स यानी फ्रूट्स आपको कम देखने को मिलेंगे यदि आपने ओवर यूज कर लिया मॉनिटरी पॉलिसी का। ए फर्दर एस्केलेशन, एस्केलेशन मतलब चढ़ाव, है ना, मतलब कि आप चढ़ते हैं ऊपर, तो उसको बोलते हैं एस्केलेटर, है ना, एस्केलेटर होता है शॉपिंग मॉल्स के अंदर, वैसे वो आपके कहां से आया, वो वर्ड एस्केलेट से आया है और यहाँ पे उसकी नाउन है एस्केलेशन। द फर्दर एस्केलेशन इन द ट्रेड वॉर, ऑब्वियस है कि बहुत सारी बातें डिस्कस हो चुकी है इस चीज के बारे में कि यूएस एंड चाइना के बीच में ट्रेड वॉर चल रहा है, यदि वो बढ़ता रहा तो ग्लोबली उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है, इसको छोड़ते हैं। इन ऑर्डर टू टेकल द नेक्स्ट रिसेशन, पॉलिसी मेकर्स विल हैव टू कम अप मतलब आगे आना, है ना, फ्रंट में आना या फिर लीड करना, कम अप विद रिफॉर्म्स टू बूस्ट इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी, उनको कुछ ना कुछ रिफॉर्म्स लेके आने पड़ेंगे, आगे आना पड़ेगा रिफॉर्म्स के साथ में, ताकि वो इकोनॉमिक जो प्रोडक्टिविटी है उसको बूस्ट कर सकें, उसको एक तरह से उसको स्ट्रॉन्ग कर सकें, इंस्टेड ऑफ के बजाय जस्ट रिलाइंग ऑन, कि उनको सिर्फ निर्भर नहीं रहना है, रिलाई ऑन का मतलब होता है, रिलाई ऑन का मतलब निर्भर रहना, एन अल्ट्रा इजी मॉनिटरी पॉलिसी टू बूस्ट देयर इकोनॉमिक, दैट मीन्स कि उनको इस बात पर निर्भर नहीं रहना है कि जो आपकी मॉनिटरी पॉलिसी का जो कॉन्सेप्ट चला आ रहा है, कन्वेंशन जो चला आ रहा है उसी पर डिपेंड नहीं रहना, कुछ अलग सोचना पड़ेगा, कुछ रिफॉर्म्स आपको लाने पड़ेंगे, कुछ आपको नया आपको रिवोल्यूशन क्रांति लानी पड़ेगी, कम आप उन आइडियाज के साथ में आना पड़ेगा किसको, पॉलिसी मेकर्स को, यदि आपको अपनी इकोनॉमी को एक तरह से स्टेबल रखना है या फिर अच्छा रखना है। ये बात हमें कंप्लीट थी, बात करते हैं नेक्स्ट जो आर्टिकल उसके बारे में बात करते हैं। ये आपको कुछ जैसे अपने पास मैंने वर्ड डिस्कस किया था इनमेट, है ना, इनमेट बताया था मैंने आपको, और मैंने उसका मतलब बताया था आपको कि कोई भी जो बहुत सारे पर्सन होते हैं वो एक ही घर में रहते हैं, चाहे वो घर कैसा भी हो, चाहे वो हॉस्पिटल वगैरह हो, चाहे वो सेनेटोरियम हो, चाहे वो कुछ भी हो, तो उनको बोलते हैं इनमेट्स। वो वर्ड इसी से आपको लिया गया था, तो यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी है उस वर्ड को ताकि आप कनेक्ट कर सकें कि मैंने आपको पहले क्या बताया एंड नाउ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो लेफ्ट आउट अब्यूज्ड ऑन द स्टेट ऑफ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस, बात हो रही है यहाँ पे चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस की, तो आपके जो बच्चों के लिए जो केयर होती है उससे कुछ इंस्टीट्यूट हैं, ठीक है, तो उसमें आपको कुछ गड़बड़ी देखने को मिल रही है, या फिर ऐसे बोल दो कि जो आपके एक्ट हैं, आपके कायदे, जो नियम हैं आपके, जिस नियम को आप आधार मानते हो, उन बच्चों को वहां रखते हो, आपको प्रॉपर केयर होती है वहां पे, कहीं ना कहीं उन नियमों का सही से संचालन नहीं हो रहा है, एग्जीक्यूशन और या इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया हैव बीन ट्रैप्ड, ट्रैप मतलब जाल होता है, तो यहाँ पे आप वर्ब के रूप में यूज कर सकते हैं, ट्रैप मतलब वो फंस गए हैं, इन एन एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लाइंड स्पॉट, बिल्कुल प्रशासन उन पर ध्यान नहीं दे रहा है, एज रिवलेशन ऑफ द सेक्सुअल अब्यूज ऑफ इनमेट्स इन ए बालिका गृह एट मुजफ्फरपुर इन बिहार शोर्ड लास्ट ईयर। लास्ट ईयर की बात है, लास्ट ईयर ज्यादा पुराना नहीं है, चार दिन पुराना ही लास्ट ईयर है। सो बिहार के मुजफ्फरपुर में एक आपका जो बालिका गृह है, हिंदी वर्ड है बालिका गृह, तो एक तरह से गर्ल्स के लिए जो आपका आवास होता है, उस रहने की जगह, उसको बोलते हैं बालिका गृह, ठीक है। सो वहां के इनमेट्स मतलब वहां जो लड़कियां रहती उनकी बात होगी वहां पे, तो उनमें उनको अब्यूजिंग का शिकार होना पड़ा, सेक्सुअल अब्यूजिंग का, तो आप सोच सकते हैं कि एक तरीके से जो आपके वो जो आपके क्या है इसकी बात करें तो चाइल्ड केयर है इंस्टीट्यूट है, उनमें आपके सही से नियम कायदे कानून को फॉलो नहीं हो रहा, यहाँ पे ये बात बोली गई है। हे होम, ए होम मतलब एक घर, मेंट टू प्रोटेक्ट गर्ल्स रेस्क्यूड फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन इटसेल्फ टर्न्ड इनटू अ डेन ऑफ प्रेडेशन, बहुत अच्छी लाइन है, बहुत ही नाइस लाइन है, इसके लिए मैं आपको बोलूंगा कि इस लाइन को आप पढ़ें, उसको समझें, क्या बोला गया यहाँ पे। ए होम एक घर, मेंट टू प्रोटेक्ट गर्ल्स, वो घर जो कि बनाया इसलिए गया था कि ताकि वो लड़कियों को प्रोटेक्ट करे, और वो लड़कियां कौन सी, रेस्क्यूड फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, जो कि शोषण की शिकार थी, उनको वहां से बचा के और उस घर में लाया गया। अब उस घर में क्या हो रहा है, इटसेल्फ वो अपने आप को यदि टर्न कर ले, अपने आप में अपना रूप चेंज कर ले, वो घर टर्न इंटू ए डेन ऑफ प्रेडेशन। डेन क्या होता है, डेन आप ऐसे बोल सकते हो, डेन है ना जो शेर रहता है, शेर या फिर जो जंगल में शेर रहता है ना, तो उसकी जो गुफा होती है उसको बोलते हैं डेन, ठीक है। तो जो घर था जो बनाया इसलिए गया था कि वहां पे किसी को प्रोटेक्ट किया जा सके, जो आपके एक्सप्लॉयटेड होते हैं पर्सन, जो आपके शोषण के शिकार होते हैं, उनको वहां से रेस्क्यू करके उस घर में रखा जाए और वो घर फिर चेंज हो जाए उस चीज के रूप में, एक गुफा के रूप में, और वो गुफा कौन सी, ए डेन ऑफ प्रेडेशन। प्रेडेशन ने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था प्रेडेशन का मतलब होता है किसी को किसी का किसी पर अत्याचार करना, या फिर ऐसे आप बोल लो कि जो
इलीगल आप किसी को मारते हैं, ठीक है, पोचिंग करते हैं आप, ये वर्ड बहुत ज्यादा यूज होता है, जैसे आप इलीगली जंगल में जाते हैं फिर किसी को, किसी जानवर को मारते हैं, तो आप बोले जाएंगे प्रीडेटर, या फिर आप जंगली जानवर को बोल सकते हो। तो ऐसे मान लो कि आपने जो घर बनाया था किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो चेंज होता जा रहा है किसके अंदर, एक गुफा के अंदर, एक अत्याचारियों की गुफा के अंदर चेंज होता जा रहा है, मतलब वहां पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। बहुत अच्छी लाइन है, इसको आप अपने से पढ़ें, इसको ढंग से पढ़ें, इसमें क्या बोला जा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट कमेटी स्टडीड, सेंट्रल गवर्नमेंट कमेटी ने स्टडी किया 9589 चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस एंड होम्स, लगभग 10,000, 9,500 बोल दो, लगभग 9,500 चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट को उन्होंने स्टडी किया, मोस्टली रन बाय एनजीओज, जो आपके चाइल्ड केयर जो इंस्टीट्यूट है ज्यादातर कौन चलाता है, एनजीओ चलाते हैं, ठीक है, दैट कम अंडर द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट मतलब इसको आप शॉर्ट में बोल सकते हैं जेजे एक्ट। जुवेनाइल क्या होता है, जुवेनाइल का मतलब होता है जो आपके, जो आपका किशोर होता है ना, किशोर का मतलब जिसकी जो एज होती है आप मोर देन 12 मोर देन 13 बोल सकते हो, और आपके अंडर होती है इसके 19 के आसपास, उसको अपन बोलते हैं एडोलेसेंट भी बोलते हैं उसको, है ना। सो जुवेनाइल को आप बोलते हैं, जुवेनाइल आपका एक तरह से किशोरावस्था होती है। सो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को आपने एक तरह से जो एक्ट जो इसको प्रोवाइड है किसको, जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन को, तो उनके बात यहाँ पे की जा रही है कि जो केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, ये एक्ट किस लिए बना हुआ है, ताकि केयर की जा सके और प्रोटेक्ट किया जा सके किसको, चिल्ड्रन को, ठीक है। तो चिल्ड्रन की बात की जा रही है, जुवेनाइल आपको पता है जुवेनाइल चिल्ड्रन से रिलेटेड वर्ड है। सो स्टडी करने के बाद में क्या पता लगा, उसकी बात की जा रही है यहाँ पे। ओनली एन इमरजेंसी मेजर टू एड्रेस द सीरियस लेक्यूनाई कैन ब्रिंग सम सेम्बलेंस ऑफ ऑर्डर टू दीज फेसलेस सेल्टर्स। सेल्टर्स वो जगह है, दैट मीन्स उस घर की बात हो रही है जहाँ पे, इंस्टीट्यूट की बात हो रही है जहाँ पे जुवेनाइल्स को रखा जाता है। सो कुछ ना कुछ आपको इमरजेंसी मेजर ही लेना पड़ेगा, कुछ ना कुछ आपको ऐसा कदम उठाना पड़ेगा टू एड्रेस द सीरियस लेकुने, मतलब आपका जो गैप है, लेकुने मतलब गैप, और गैप मतलब आपके जो प्रॉपर वर्क हो रहा वो नहीं हो रहा, उसमें गैप चल रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको यदि प्रॉपर काम करना है तो कहीं ना कहीं आपको जो इमरजेंसी मेजर कदम उठाना पड़ेगा, किसको किसको ऑर्डर करने के लिए, किसको कंट्रोल करने के लिए, दीज फेसलेस सेल्टर, जो आपके सेल्टर मतलब आपका जो ग्रह होता है, शरणार्थी ग्रह उसको बोलते हैं सेल्टर को, तो कहीं ना कहीं उसको कंट्रोल करने के लिए आपको कुछ ना कुछ सीरियस कदम उठाने पड़ेंगे। यहाँ पे इस स्टडी से यही आपको देखने को मिलता है। मोस्ट ऑफ द इनमेट्स आर ऑर्फंड, जो वहां पे रहते हैं, जैसे लड़कियों की बात करें तो उस घर में जो लड़कियां रहती हैं उनको इनमेट्स बोला जाएगा, वो मोस्टली आपके ऑर्फन है, मतलब वो एक तरह से अनाथ बोल सकते हैं आप। ऑर्फन क्या होता है, अनाथ होते हैं जिनके माँ बाप नहीं है, है ना। अबैंडेंड यानी छोड़ा हुआ, कई बार ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स छोड़ जाते हैं ना, सो अबैंडेंड बोला जाएगा। एंड सेक्सुअली अब्यूज्ड, जिनके ऊपर अत्याचार हुए हैं सेक्सुअली, या फिर ट्रैफिक्ड, जो आपके जो ट्रैफिकिंग होती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी मानव तस्करी, या फिर विक्टिम्स ऑफ डिजास्टर एंड कॉन्फ्लिक्ट, वहां पे वही लोग रहते हैं जिनमें बहुत ज्यादा अत्याचार हुए हैं, एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, और वो कहीं ना कहीं शिकार हैं डिजास्टर्स के, या फिर कॉन्फ्लिक्ट के, या फिर उनको छोड़ दिया गया है, या फिर वो अनाथ है ना, वही वो लोग वहां पे रहते हैं। तो इनमेट्स क्या होते हैं, आपको पता चल गया, जो शरणार्थी गृह में रहते हैं वो ऐसे आपके पर्सन होते हैं। तो देखो, ऐसे आपके बच्चे होते हैं उनको प्रोटेक्ट करना तो आपका इससे फर्स्ट कर्तव्य होना चाहिए, आपका प्रथम कर्तव्य, आपका मूल कर्तव्य यही होना चाहिए। अमंग देम आर 7,422 चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ एंड 370,227 इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। लगभग 3,70,000 बच्चों को तो वहां पे जरूरत है किस बात की, केयर की एंड प्रोटेक्शन की, इंक्लूडिंग 170,000 गर्ल्स। तो 370,000 के अंदर से 170,000 तो गर्ल्स है ना, अब उनको प्रोटेक्शन की और केयर की आवश्यकता है। तो स्टडी के अंदर यह पता लगा है, रिफॉर्म्स ऑफ दिस डिप्रेसिंग सिस्टम, अपना जो सिस्टम है डिप्रेस हो रहा है, डिप्रेस मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि वो मायूस हो रहा है ना, सिस्टम बहुत ही आपका डाउन चल रहा है ना, उतनी इंटेंसिटी से वर्क नहीं कर रहा जितना सबको करना चाहिए था, रिफॉर्म तो इसमें करने ही पड़ेंगे। एज द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट सीक्स, क्या सोचती है मिनिस्ट्री, कैन बी अचीव्ड ओनली थ्रू सिस्टमेटिक स्क्रूटनी बाय स्टेट गवर्नमेंट्स। आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट क्या सोचता है कि ये सिर्फ तभी कंट्रोल हो सकता है जब आपकी स्टेट गवर्नमेंट, साफ लिखा हुआ यहां पे, स्टेट गवर्नमेंट ध्यान दे किस चीज के ऊपर, वो भी देख लेते हैं। थ्रू सिस्टमेटिक स्क्रूटनी, स्क्रूटनी क्या होती है, स्क्रूटनी होती है बहुत ही सूक्ष्म, जो होता है ना सूक्ष्म अवलोकन होता है, बहुत ही सूक्ष्म जांच होती है आपके डेटा, फिर से मैं रॉन्ग प्रोनाउंस कर रहा हूं उसको, डेटा ना, डेटा जो वर्ड है उसकी आपकी बिल्कुल
बहुत ही जांच हो, इन्वेस्टिगेशन हो प्रॉपर सिस्टमेटिक, तो ये सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, ऐसा एक रिफॉर्म वो ही ला सकती है। ये किसने बात बोली है? मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो आपके इसकी जो मंत्री हैं, आपको उनका नाम भी पूछ सकते हैं, मिस मेनका गांधी है ना, मिस मेनका गांधी इसकी मंत्री हैं मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की, ठीक है। एज पर द रिसेंटली डिस्क्लोज्ड स्टडी ओनली 32% ऑफ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस और होम्स वर रजिस्टर्ड अंडर द जेजे यानी कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट एज ऑफ 2016। बात करते हैं 32% ही आपके एनजीओ वगैरह या फिर जो आपके रन आपके जो होम है इंस्टीट्यूशन है वो सिर्फ इस एक्ट से जुड़े हुए हैं, तो आपके 32% तो बहुत कम है, 1/3 है, तो बाकी के 2/3 क्या कर रहे हैं, यानी 1/3 ही आपके इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो कि इस एक्ट के अंडर आते हैं। व्हाइल एन इक्वल नंबर वर अनरजिस्टर्ड, लगभग इतने ही मतलब 32-33% ही है जो रजिस्टर है ही नहीं, एंड द रेस्ट लगभग आपके इतने ही बच गए वर आइदर इंपैनल्ड अंडर द अदर स्कीम्स और अवेटिंग रजिस्ट्रेशन। लगभग 1/3 है जो कि रजिस्टर है, लगभग 1/3 है तो रजिस्टर नहीं है, और लगभग 1/3 ही है जो कि या तो रजिस्टर होने वाले हैं या किसी और स्कीम के अंडर आते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही आपको जो आपके प्लान्स होते हैं जो आपके पॉलिसीज होती हैं उनमें आपको बहुत आपको कह सकते हैं कि उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, जैसा होना चाहिए था सारे सारे आपके इंस्टीट्यूट इसके अंदर आने चाहिए थे। भाई मैं तो यही सोचता हूँ कि सारे सारे आपके इंस्टीट्यूट इसके अंदर आने चाहिए जस्टिस जुवेनाइल एक्ट के अंदर, ताकि यदि किसी चिल्ड्रन पे किसी बच्चे पे यदि आपका अत्याचार होता भी है तो कम से कम उसको एक्ट का सहारा तो मिले, उस जस्टिस जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का सहारा तो उसको मिले। लेकिन सिर्फ 1/3 एनजीओ में ऐसा है, तो बाकी के 2/3 में तो किसी को सहारा मिलेगा नहीं, यानी एक्सप्लोइटेशन होता रहेगा, देखते रहोगे आप और कुछ होगा भी नहीं। सो यहाँ पे पॉलिसी मेकर्स को ध्यान देना चाहिए कि वो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। द प्रायोरिटी शुड बी टू ब्रिंग अबाउट यूनिफॉर्मिटी, एकता या फिर समानता लाने की जरूरत है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ किसकी, स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर्स की, यानी आपके जो मानक हैं स्टैंडर्ड्स हैं आपने जो मानक डिसाइड कर रखा है, जैसे आप भी सोचते हो कि मुझे वहां तक तैयारी करनी है, 9 बजे तक पढ़ता हूं मैं, 9 बजे तक पढ़ना है ऐसे, तो स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर्स आपके जो मानक हैं और आपके काम करने का तरीका है आपके जो प्रोसीजर हैं उनको आपको उनकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। इवॉल्विंग कहाँ से आते हैं वो, कॉमन नॉर्म्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात यहाँ पे यही बोली जा रही है जो आपके इंस्टीट्यूट हैं, कहीं ना कहीं वहाँ पर प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है, मतलब कि टॉयलेट्स की बात करें ठीक है, टॉयलेट्स नहीं है गर्ल्स के लिए, टॉयलेट्स नहीं होते ठीक है, या फिर बात करें कि उनके लिए रहने के लिए या फिर खाने के लिए जगह नहीं होती ढंग से, या फिर आपके सैनिटेशन नहीं होता, सैनिटेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर, सैनिटेशन नहीं होता, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की बात की जा रही है। ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस एंड एक्सटर्नल ऑडिट्स, ये सारे काम आपको करने पड़ेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करना है, ह्यूमन रिसोर्सेज की तरफ ध्यान देना है, फाइनेंशियल प्रैक्टिस यानी पैसा वहाँ पे प्रॉपर जाना चाहिए, एंड एक्सटर्नल ऑडिट्स यानी वहाँ पे जांच भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं आपने पैसा लगाया जांच हो नहीं रही लोग पैसा खा के भाग गए, है ना, ऑडिट्स भी वहाँ पे होनी चाहिए प्रॉपर ऑडिट्स टाइम टू टाइम। तमिलनाडु महाराष्ट्र एंड केरला टुगेदर अकाउंट फॉर 43.5% ऑफ ऑल सेल्टर्स, जितने भी इंस्टीट्यूट इंडिया के अंदर हैं 3 स्टेट ऐसे हैं जो कि लगभग उसका हाफ मान लो आप 43.5%, तो इस 3 आपके राज्यों के अंदर ही हैं, तो बाकी के आपके जो बच गए कितने राज्य बच गए 26 और कितने बच गए उनमें बहुत कम देखने को मिल रहा है, लेकिन तमिलनाडु महाराष्ट्र एंड केरला अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। द इम्पेरेटिव नाउ, इम्पेरेटिव मतलब अपना लक्ष्य क्या होना चाहिए, नाउ टू टर्न द फाइंडिंग्स ऑफ द मिनिस्ट्रीज कमिटी इनटू अ ब्लूप्रिंट फॉर एक्शन, उनको क्या करना है उसका ब्लूप्रिंट उनका खाका पहले से तैयार करना पड़ेगा। क्रेडेंशियल्ड एनजीओ शुड टेक अ ग्रेटर इंटरेस्ट इन दिस एफर्ट होल्डिंग द अथॉरिटीज टू अकाउंट, दैट मीन्स कि जो वो एनजीओ वो आपके नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो कि क्रेडेंशियल्ड है मतलब जो आपके लिस्टेड है आपके जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में लिस्टेड है, कहीं कि उनके कंधों पे बहुत ज्यादा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी कि वो इस एफर्ट को आगे लेके जाए ज्यादा करें, एंड आपके जो अथॉरिटीज हैं उनकी आपको सहायता करें जो भी काम करना चाह रही है, ठीक है। तो अपने कंप्लीट आर्टिकल्स थे और आपका जो इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी बूस्टर होता है उसको मैंने काफी अच्छे से आपको डिस्कस किया, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि यदि आप चाहें कि आपको करंट जीके या फिर इंग्लिश इंप्रूव करनी है तो आप ही चैनल से